बिजली महकमे के विखंडन को रोकने के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित विभिन्न संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 27 दिसंबर को सभी संगठन मिलकर राज्य सरकार को एक पत्र सौंपेंगे। एमपी पावर मैनेजमेंट के रेवेन्यू मैनेजमेंट विभाग को भोपाल स्थानांतरित किए जाने के विरोध में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के रजत भार्गव ने बताया कि सभी ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि विखंडन का पुरजोर विरोध किया जाएगा और इस मामले को 27 दिसंबर को राज्य शासन के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। इसका मेन मुद्दा यह है कि जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है, इसका विघटन नियमित रूप से साजिश के तहत किया जाता रहा है। अब अभी सामने में आया है देखने में कि जो राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसको टोटली भोपाल शिफ्ट करने के ऑर्डर जारी हो गए हैं। उससे संबंधित अधिकारियों को भी भोपाल बुलाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जबलपुर के साथ जो छलावा होता आया उसमें एक और कड़ी है। इसका हमारे सारे संगठन, हम लोग मिलजुल कर पुरजोर विरोध करेंगे और हम लोगों ने ये तय किया है कि आगामी 27 तारीख को घंटाघर के पास हम एक माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन राज्य सरकार को देंगे और जनता के बीच में जाके जनता की आवाज़ उठाएंगे कि जबलपुर के साथ ये अन्याय बंद हो। मैं आप सभी जनता से अपील करता हूँ और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ये जो जबलपुर के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में विरोध में एक आवाज़ उठाएँ। नागरिक उपभोक्ता मंच की जानिब से यहाँ पर एक मीटिंग पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें एक मतैन, जिसमें शहर के तमाम संगठन, किसान संगठन, राजनीतिक दल भी शामिल हैं, उसमें एक मतैन यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के राजस्व मुख्यालय का विखंडन किया जा रहा है और उसको भोपाल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसका पुरजोर सभी ने एक मतैन विरोध किया। ये जो शिफ्टिंग जो किया है वो गलत है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये साजिश है, जबलपुर का कद घटाने की साजिश है, जबलपुर को अस्मिता पर चोट लगाने की साजिश है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारा जो शक्ति भवन का पावर मैनेजमेंट रेवेन्यू का ऑफिस था, जो कि पूरे प्रदेश की रेवेन्यू का लेखा जोखा रखती रही और शक्ति भवन से संचालित होती रही, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है और परसों इनने उसका आदेश कर दिया उसको भोपाल शिफ्ट करने के लिए। उसी के लिए हम सब यहाँ पे नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा जो मीटिंग आयोजित की गई, उसमें हम लोग मध्य विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन की तरफ से इनको समर्थन देने आए हैं और इस बात का हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। बैठक में विखंडन को रोकने के लिए किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई।